वेलकम दोस्तों, फाइनली आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ गिविंग टेक न्यूज हम आ चुके हैं 2000 एपिसोड्स पर। जी हाँ, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2000 एपिसोड्स, पूरे यूट्यूब में सबसे ज्यादा एपिसोड्स हमने टेक न्यूज में कवर किया है, जो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात पर। थोड़ा सा अलग स्टाइल में बल्ले बल्ले वाला और ऐसा वाला लचिंदे जान सा आप लोगों के लिए, जो मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट किया है। ऐसे ही आप लोगों को टेक न्यूज़ देते रहेंगे, जो भी हमारे पास खबरें आती है उसमें से सारी चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे, गर्मा गर्म मसाला मारकर, बड़ा मज़ा आने वाला है। वैसे दोस्तों, हम अमेज़ॉन के ऊपर लाइव आए थे संडे के दिन, अगर आपने नहीं देखा था तो कोई बात नहीं, हम अगले संडे भी आएंगे, ऐसे ही आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत अच्छा इंटरेक्शन था, बहुत मज़ा आ गया, प्लेटफॉर्म बड़ा था, अच्छा लगा। लेकिन वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को बहुत याद किया, बहुत आप लोगों ने सपोर्ट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे अनबॉक्सिंग्स हमारी पेंडिंग है, उसके लिए बने रहना, लाइक करिए, सपोर्ट करिए। सब्सक्राइबर्स हमारे थोड़े स्लो हो रहे ग्रोथ, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जो लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाइए और वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए। आज 2000 टेक न्यूज़ हुई है तो 20,000 लाइक्स तो बनती बनती, क्या बात है, क्या बोलते हो, 20,000 लाइक्स। और फटाफट से आज के टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। Cause I just wanna go, go, go to the deep end. पहली खबर की शुरुआत करते हैं सैमसंग से। सैमसंग ने साउथ कोरिया के टेक डे के अंदर अपने सैमसंग का एक्जिनोस 2400 अनाउंस कर दिया। जी हाँ, और ये जो चिपसेट है, बताया जा रहा है कि एक्जिनोस 2200 से 70% ज्यादा फास्ट सीपीयू लेके आई है। 4nm आर्किटेक्चर, 3nm पर नहीं, 4nm पर है, लेकिन जीपीयू जो है वो बड़ी छलांग लगाती है। और फर्स्ट टाइम एवर हमें एक्जिनोस के चिपसेट में AMD RDNA 3 based Eclipse, ये क्या कैसे बोलते हैं इसको, Eclipse वाला GPU, 940 वाला GPU देखने को मिलता है। ये एक चीज़ बहुत कमाल की हो गई है कि अब Exynos chipset में हमें AMD वाली GPU देखने को मिलेगी। अब बताया जा रहा है कि S24 सीरीज जो आएगी अगले साल, रूमर्ड है कि दो वेरिएंट्स में होगा, एक Snapdragon 8 Gen 3 और दूसरा होगा Exynos 2400। उम्मीद करते कि इंडिया में Exynos की जगह अगर Snapdragon 8 Gen 3 वाला वर्जन मिल जाए, मेरे हिसाब से, मुझे लगता है, तो मजा ही अलग है। साउथ कोरिया, जैसे कि यूरोपियन यूनियन फुल थग लाइफ मोड में रहती, वैसे साउथ कोरिया वाली भी आजकल फुल थग लाइफ मोड के अंदर है। उन्होंने एप्पल और गूगल को एंटी ट्रस्ट के इश्यूज में और मोबाइल पेमेंट रूल्स को ब्रीच करने के तहत 68 बिलियन वॉन फाइन मार दिया। पैसा ही पैसा हो गया, यानी कि अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 57.5 मिलियन डॉलर्स। अब साउथ कोरिया बोलता है कि भाई आपने ये जो रूल ब्रेक किया है, ये गलत किया है, ऐसा हमारे वहां पर आपको करना नहीं चाहिए था। गूगल एप्पल को समझ नहीं आ रहा है रिएक्ट कैसा करे, वो सोच रहे कि भाई कब रूल ब्रेक हुआ, उनको भी नहीं पता, ऐसा उनकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। तो ये चीज हो चुकी है साउथ कोरिया में। वैसे इंडिया के अंदर भी हमें थोड़ा ऐसा कभी कभी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, जैसे यूरोपियन यूनियन फुल थग लाइफ मोड में रहता, हमें भी करना चाहिए। अगर टाइप सी पोर्ट नहीं दे रहे, सीधा रूल आ जाएगा, सबको पेनल्टी बननी पड़ेगी, तो दूसरे दिन से टाइप सी पोर्ट आ जाएगा। ये चीज हमारी गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। विंडोज 11 यूज कर रहे, खुश है, अच्छा लग रहा ना, फ्री अपग्रेड मिला, अरे विंडोज 10 से विंडोज 11 हो गया, अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, ठीक है। ये खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, बताया जा रहा है कि विंडोज जो 12 आ रहा है, अकॉर्डिंग टू अ जर्मन वेबसाइट, ये फ्री अपग्रेड नहीं होगा, इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट चार्ज करेगा। ये सब के सब लोग जो है ना पगला गए, बावले हो गए, पता नहीं ये सब क्यों कर रहे हैं, हर जगह से पैसे लेने की सोचते ही क्यों है ये, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस भी वहां पर खराब हो जाता है। बट मुझे लगता है कि जब विंडोज 12 अगर पैसे से अपग्रेड करने की बात आएगी, तो लोग बोलेंगे विंडोज 11 तो यार क्या मस्त है, आज तक विंडोज 11 जैसा प्लेटफॉर्म मैंने देखा ही नहीं जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा रूमर्स है, लेकिन अगर हो गया तो मैं सबसे पहले अपडेट नहीं करूंगा। Samsung Galaxy S24 सीरीज, बताया जा रहा है कि भाई टाइटेनियम फ्रेम के साथ आएगा। टिम कुक भी लाइक चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हाँ भाई, ऐसा बोल रहे हैं कि Samsung S24 सीरीज जो होगा, सबके सब जो है, सब में बोल रहे हैं कि आपको टाइटेनियम फ्रेम मिलेगा। एप्पल ने कैसा प्रो सीरीज में दिया, Samsung बोलेगा मैं सब में देगा, जो करना कर रहे। तो S24, S24 प्लस, S24 अल्ट्रा में टाइटेनियम फ्रेम होने वाला है। ये टाइटेनियम नाम का होता है भाई, खाली बस शोशा होता है। एप्पल के आईफोन 15 प्रो मैक्स में तो स्क्रैचेस आ रहे हैं टाइटेनियम फ्रेम के अंदर। टिम कुक बोलेगा अरे मेरा पोल मत खोल रहे, मेरी धोती मत खोल। एनीवेज, तो ये चीज हो रही है, बाकी तो देखते हैं कि सैमसंग S24 सीरीज अगले साल 18 फरवरी को जल्दी से जल्दी आ जाएगा और कितने खास होते हैं, कौन सा वेरिएंट मिलता है, एक्जिनो स्नैपड्रैगन वगैरह, ये तो मैं सब स्विच करने की प्लान कर रहा है अपना, तब की बात करेंगे।
आईको और वीवो का फोन इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपसे बताएंगा वीवो और आईको के फोन्स की अपडेट लिस्ट, तो सामने आपके आप देख सकते हैं आईको के कुछ फोन्स हैं यहाँ पर। अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, नवंबर, दिसंबर, अथम्बर, चकंदर, कतम, जनवरी, फरवरी, ये सब आपको यहाँ पर दिख रहा है। और वीवो के फोन्स की भी लिस्ट मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, जो आप देख सकते हैं। आप पॉज करो वीडियो और देख लीजिए, इनमें से अगर आपके पास कोई इनमें से फोन है तो उसमें आपको बहुत ही जल्दी उस टाइम पर एंड्रॉइड 14 और फंटच 14 का अपडेट मिलेगा। ये जो फोन में अपडेट आएगा ये इस बार थोड़ा रीडिजाइंड होगा, तो आपको पहले से बहुत ही डिफरेंट लगेगा, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। OnePlus ने भी फाइनली अपने OnePlus Pad Go को लॉन्च कर दिया। बजट फोन्स लेके आ रहा तो वो टैबलेट को कैसे पीछे छोड़ेगा, तो टैबलेट भी बजट आ गया है। लेकिन ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा, क्या रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको इसमें 2.4K वाली LCD डिस्प्ले मिलती है, 11.35 इंच की डिस्प्ले साइज, बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। MediaTek Helio G99 ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि प्राइस थोड़ी इसकी ज्यादा लग रही है मुझे। LPDDR4X UFS 2.2 Android 13 OxygenOS पर ये कस्टमाइज चलेगा। आपको 8 का रियर, 8 की सेल्फी, 8000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग, और भी बहुत सारे फीचर्स है इसमें। वाईफाई वर्जन जो है वो 20,000 से स्टार्ट होता है, 8128, फिर 4G वर्जन 22,000, और अगर 8256 चाहिए तो 24,000 4G वर्जन। तो प्राइस Helio G99 के हिसाब से ज्यादा है। आजकल 5G का जमाना है तो ब्रांड को 5G चिपसेट देनी चाहिए थी, ऐसा मुझे लगता है। वैसे आपको कैसा लगता है वो आप कमेंट में जरूर बताना। इंडिया दोस्तों बताया जा रहा है कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन चुकी है, अगर मैं मोबाइल फोन्स की मैन्युफैक्चरिंग की बात करता हूँ। यानी कि इंडिया में 22% ऑफ द स्मार्टफोन जो एक्सपोर्ट हुए हैं वो अप्रैल और अगस्त के बीच में यहाँ पर हुए हैं, जिसकी वैल्यू 45,000 करोड़ की, मतलब 45,000 करोड़ का माल हमने यहाँ बनाया और उसको यहाँ से बाहर भी भेजा है, जो अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। तो इंडिया बहुत आगे निकल रहा है अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, और दूसरी जो फॉरेन कंपनीज जो यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रही है उसकी बात करते हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जॉब्स भी क्रिएट होते हैं। बस एक एप्पल वाले से नाराजगी है कि कितना भी मेड इन इंडिया करता उल्लू बनाना छोड़ता नहीं है। बाकी तो बस देखते हैं कि अब इंडिया के अंदर और कितनी हम आगे बढ़ सकते हैं, टू से क्या फर्स्ट पे आते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। गूगल की तरफ से इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि गूगल भी शायद फ्यूचर में अपने बजट स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जैसे कि आजकल नथिंग वाले भी प्लान कर रहे हैं और वन प्लस वाले ऑलरेडी कर रहे हैं, वैसे ही गूगल भी प्लान कर रहा है कि वो अपने बजट स्मार्टफोन्स लेके आ जाए। पिक्सल जो ए सीरीज है वो आती है इनकी 30-40 हज़ार की रेंज की, सेल पर तो मिल जाता है 25,000 में, लेकिन 20,000 की रेंज के फोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो गूगल फ्यूचर में लेके आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो पिक्सल डिवाइसेस 20,000 रुपीज़ और बस कॉम्प्रोमाइजेस ज़्यादा ना हो तो अलग बात है। जैसे कि हाल ही में गूगल ने 7 ईयर्स ऑफ अपडेट्स देकर सबका दिमाग खराब कर दिया, तो इसमें दो ऐसी ब्रांड्स है जो दिमाग खराब नहीं हुआ उनका, उनको मोटिवेट हुआ, और उन्होंने यहाँ पर ऐसा डिसाइड किया कि फ्यूचर में हमें सैमसंग के और शाओमी के कुछ फोन्स में अप टू 7 ईयर्स ऑफ अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। पहले यहाँ पर सैमसंग की तरफ से खबर आई, बाद में शाओमी की तरफ से आई। अच्छा लग रहा है कि ये जो ब्रांड्स है, जो दूसरी ब्रांड अच्छा कर रही है, वो अच्छी चीज़ उठा रही है और अपने स्मार्टफोन्स में अपना रही है। जैसे अगर सैमसंग 4 साल का अपडेट तो अभी देता ही अपने को 20,000 के नीचे, M34 में भी 4 साल का अपडेट दिया, वैसे ही फ्यूचर में हमें ऐसे भी फोन्स मिलेंगे सैमसंग की तरफ से जिनमें 7 ईयर्स ऑफ अपडेट्स मिल सकते हैं। हो सकता है क्या पता S24 सीरीज आ रही है उससे ही शुरुआत कर दे और शाओमी वाली भी अपने प्रीमियम फोन्स पर लेके आ जाए, मज़ा ही आ जाएगा। डील की बात करते हैं। बोट की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच है, 1.8 इंच से ज़्यादा इसकी स्क्रीन साइज़ है, तो आपको ये मिल जाएगी 1100 रुपये के आसपास। इसका 1.6 वाला मत देखना, वो इससे भी महंगा है। ये कभी कभी डील्स ऐसे आती हैं दिमाग चकरा जाता है, लेकिन डोंट वरी, आपको 1.8 इंच वाली लेना है अच्छे फीचर्स के साथ। अगर आपको बड़े डिस्प्ले वाली स्मार्ट वॉच चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गेमिंग की बात करते हैं। साइबरपंक 2077 याद है दोस्तों, हाईली बगड़ गेम, हाँ मैं इसको ऐसे ही बोलता हूँ, इतने बग्स है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन एनीवेज पैचेस लगाकर गेम अब थोड़ी स्टेबल हो गई है, जो कंसोल में और पीसी वगैरह में आपको मिलता है। लेकिन यहाँ पर अब साइबरपंक 2077 का सेकंड वर्जन आ रहा है, न्यू गेम आ रहा है, इसका सीक्वल आ रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। अब ये कितने बग्स लेके आएगा इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन ब्रांड ने, मतलब डेवलपर्स ऐसा बोलते हैं कि हमने इस बार बहुत मेहनत करने वाले हैं और इस बार पहले से आपको ऐसा वर्जन मिलेगा कि उसमें बग्स होंगे ही नहीं। तो जो लोग साइबरपंक गेम से वाकिफ है उनको पता होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो लोग नहीं है आप लोग चने खाइए ना, क्या है इसमें। क्या आपको बताया दोस्तों, बताया जा रहा है कि वर्ल्ड में अभी भी सिर्फ 1% पॉपुलेशन ऐसे है जिन्होंने गेम्स ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है, मतलब खाली 1%, बाकी सबने देख लिया। मैं उन 1% में से हूँ, आप हैं,
मे बी, तो कमेंट में जरूर बताना। आज की टेक्निक से खत्म होती है, तो आपका न्यू पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिए। 20,000 लाइक्स की बात हो रही है और 2,000 टेक्निक एपिसोड हो गए, उस बात में तो बनता ही बनता है। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।